वापस एक बार हम लोग आ गए हैं माइनक्राफ्ट के खतरनाक ग्राफिक्स। मैं हूं ईशान और यह है अपनी माइनक्राफ्ट की हार्डकोर सीरीज। जस्ट भाई कुछ टाइम पहले मेरे पीछे एक स्केलेटन लग गया था, वहां पे मैं कैसे वैसे बचाऊं। नीचे देखो भाई, मैंने ये लगाया वुड लगाया और वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं ठीक से, बट भाई मुझे मारने को आ गया था एक स्केलेटन। एंड अभी रात का समय हो चुका है, मेरे पास खाने की कमी है। एंड एक और चीज हम लोगों ने की, यहाँ पे एक विलेजर था। रुको भाई, आराम से चलो, आराम से चलो भाई, गिरना नहीं अपने को, आराम से। ये देखो यहाँ पे एक विलेजर है ना, उसको मैंने ये किया है सही कर लिया बंदे को, तो ये मुझे काफी ज्यादा कम दाम में चीजें देगा। तो हम लोग इसको लाइब्रेरियन या ऐसा कुछ बनवाएंगे, उसके बाद सही बढ़िया चीज हो जाएगी अपने साथ। एंड मेरे पास काफी सारी खतरनाक सी चीजें हैं, गोल्ड वगैरह काफी सारा, बट खाने की काफी कमी है। पहले तो मैं सो जाता हूँ यहाँ पे भाई, सुबह कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ जाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग भाई, डरावनी जगह यार ये, मुझे घर जाना है भाई, रहने दो ये सब चीजें, रहने दो। एंड खाना कम होने के कारण मुझे वहां पे जाके एक खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। जगह काफी ज्यादा प्यारी सी है, बट अपने पास भाई इतना टाइम नहीं कि यहाँ पे हम लोग टाइम पास करें। ये डायरेक्शन में अपना विलेज है और अपना घर है चेरी ब्लॉसम वाला, यानी कि जापानीज हाउस है। यहाँ पे विलेजेस वगैरह दिख रहे हैं मुझे, बट ये वाला विलेज में ना कुछ खाने को सामान ही नहीं है इनके पास। हेलो कैसा भाई, ओके ये दे रहा है, कुछ चाहिए मुझे, ये सब नहीं चाहिए। एक्चुअली मैंने इस विलेज को शायद से लूटा है। ये देखो कैसे यहाँ पे स्नो इकट्ठा हुआ है भाई, कुछ भी लॉजिक चल रहा है माइनक्राफ्ट का आजकल। ठीक है इनको छोड़ो यार, अरे भाई साहब गिरना नहीं। एक बार भाई इस विलेज से कुछ चीजें मैं ढाब सकता हूँ ना, जैसे कि लैंटर्न वगैरह, या इनके पास काफी सारे लैंटर्न है। इनकी भाई बेल उठाऊंगा मैं, ये पूरा सेंटर का चीज उठाने वाला हूं मैं, अपना हो जाएगा ये। अबे अपने पास जगह है क्या लेकिन ले जाने के लिए चीजें। मुझे एक खतरनाक सी डिस्क मिली थी, मैं भूल गया। ये देखो काफी रेयर चीज है ये, और ये भी मिला है। आई थिंक टेराकोटा की जरूरत नहीं अभी मुझे, प्लस मे बी वाटर ब्रीदिंग पोशन एक काम की चीज हो सकती है। आयरन बाल्स की जरूरत नहीं, ठीक है आयरन बाल्स हटा देते हैं। खाना खत्म होने से पहले घर पे पहुंचना भाई, क्योंकि वहां पे अपने को थोड़ा सा खाना मिलेगा। एंड साथ में मैं सोच रहा हूँ एक शुगर केन का छोटा मोटा फार्म बनवा लूं, जिससे हम लोग बुक्स वगैरह बनवा सकते हैं, काफी सारे पीपल्स मिल जाएंगे। तो ये जो ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को हम लोगों ने क्योर किया था, उससे भाई खतरनाक चीजें मिल सकती है। ए भाई साहब ये डरावनी चीजें बहुत दिखती आ रही है, देखो ऐसे नीचे वगैरह गिर गया तो मर जाऊंगा ऐसा। इधर भालू एक उसके बच्चे के साथ है, भागो भागो यहाँ से भागो। मुझे लग रहा है कि मैंने एक गलती कर दी है, जो अपना घर है वो माउंटेन पे बनवा के। उधर ऊपर आने जाने के लिए ना एक अच्छा सा रास्ता नहीं है, या तो हम लोग स्टेयरकेस बनवा सकते हैं। ये देखो यहाँ से मुझे दिख रहा है अभी वो माउंटेन, एंड वो काफी ऊंचा माउंटेन यार, उधर तक जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपना घर लेकिन काफी प्यारा दिखता है यार, यहाँ से भी दिख जाता है। ये देखो दिख रहा है और काफी बढ़िया लगता है, कुछ यूनिक सी चीज लगती है यहाँ से दिख के। भाई ये साइड बनवाता ना और बेटर रहता घर, ऐसा लग रहा है अब तो जाके मुझे। भाई ये साइड पे ना ये थोड़ी सी ऊंची वाली जगह भी है, प्लस यहाँ पे रिवर वगैरह सारी चीजें है, सामने विलेज है। मुझे लगता है अपने को नया घर यहाँ पे बनवाना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ यार, कुछ भी चीजें आप बता सकते हो नीचे आराम से कमेंट में। भाई सारे के सारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं, ये तो आपको डेफिनेटली पता ही है। एंड भाई कमेंट करने वाले हो तो लाइक भी दे दो साथ में यार। ये विलेज है ना काफी ज्यादा ऊपर है, मुझे लग रहा है यार कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है इस विलेज में अपना बेस बना के। ऊपर तक तो नहीं बनवाना चाहिए था मुझे, इतना नीचे के साइड ही बनवाना बेटर था। अभी ऊपर सिर्फ चलते हम लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क है यार कि नीचे गिर गया मर गया। जब आएगा आएगा ना अपने पास, तब यहाँ पे बनवा सकते बड़ा सा बीस, वो बेटर रहेगा। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे क्या चल रहा है कुत्ते? अरे डॉग आ गया है, एक मिनट अपने वो एक बोन से गया, यहाँ पे एक डॉग आ गया पता नहीं कहाँ से। अरे ये सारे इसको मार रहा है शिप्स को, बकवास डॉग है। एक मिनट में देखता हूँ फटक से अपने पास है क्या कुछ, बोन्स ही नहीं है। अरे वहाँ पे मैंने स्केलेटन को मारा था, बोन्स मिले थे बट मैंने लिए नहीं। ठीक है जो चीज की मुझे जरूरत थी ना वो यहाँ पे रख देता हूँ, मतलब कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिसेंटली तो नहीं पड़ेगी। सो अभी क्या करता हूँ नीचे एक साइड पे आई गेस मैंने ये बनवाया एक छोटा सा भाई फार्म उगा नहीं ये। हेलो भाई मेरे पास इतना ये नहीं, ये खाना नहीं है, फार्म उगेगा तभी मैं खा पाऊंगा सही से। मैं क्या करता हूँ भाई अभी तक तो उगा नहीं है ये। ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं फटाक से इसको तोड़ देते हैं एंड नीचे बेस बनाना स्टार्ट करते भाई बस ऊपर यहाँ का, और नीचे ना एकदम सही वाला फॉर्म बनवाते हैं। सही मतलब कि अभी तक तो हम लोग ऑटोमेटिक बनवाने पाएंगे क्योंकि मेरे पास थोड़ी रिसोर्सेस की कमी है, बट छोटा मोटा अच्छा वाला दिखने वाला फॉर्म बनवा सकते हो एटलीस्ट। एक तो यहाँ पे भी बन सकता है एक फॉर्म मस्त वाला, मे बी ये साइड पे एक फॉर्म बनेगा ना वो बेटर रहेगा। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे दिख रही है जगह भी सही सही सी दिख रही है, एंड पानी भी आजू बाजू में बढ़िया चीज है। सो दो फॉर्म मुझे बनवाने, एक तो है ऑब्वियसली बात ये वाला फॉर्म अपना क्या बोलते हैं नॉर्मल सा फॉर्म, एंड एक है खतर फार्म।
सही से जगा कर लूंगा यार इस बार फार्म के लिए, ऐसा नहीं कि भाई कैसे भी अनसर्टेन बना दिया, थोड़ा दिमाग लगा भाई। मैं ना गाइस सीरियसली वो लेके आना ही भूल जाता हूँ हमेशा, एक बेड लेके आना, तो हमेशा मुझे एक नया बेड बनवाना पड़ता है एंड थोड़ी सी लकड़ी भी मांगती है अपने को। क्या बढ़िया जगह है ये, यही जगह है अच्छी है घर बनवाने के लिए। वो ऊपर क्या जंगल जैसा रहता था, मैं अभी सही जगह लग रही है। बट यार वहाँ पे एक कैसल बनेगा ना, बहुत बढ़िया लगेगा, ऐसा देख के समझ रहा है कि वहाँ पे वो फील आ रहा है कि कैसल बनने वाला। यहाँ से मैं नेदर में भी जा सकता हूँ, लाइक फर्स्ट टाइम जो नेदर में जाऊंगा ना, यहाँ से शायद जा सकता हूँ उधर। मैं क्या करता हूँ, एक फटाक से चेस्ट बनाता है, एक नहीं एक्चुअली दो चेस्ट बनवा लेता हूँ, इसमें चीजें डाल दूंगा यहीं पे। अब हम लोग सही से बनवा पाएंगे, ठीक है। अब कैसा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तोड़ो पानी लेके आओ, एक दो तीन चार। अभी यार काफी लोगों को लगेगा कि भाई ये क्या है, इतना छोटू सा फार्म बना रहा है, इतने बड़े बड़े फार्म बनाते लोग, ये बनाते वो बनवाते, एक बार में 1000 वीट मिले इससे बनाते, 10,000 वाले भी बनवाते। बट भाई अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यानी ये हार्ड कोर सीरीज है, इसमें हम लोग रिस्क नहीं ले सकते इतनी जल्दी, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अगर इसी फार्म को भी मैं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाऊंगा ना आगे ऐसे हर दिन, ओ भाई ऐसे ही करते बेटर रहेगा यार। हम लोग क्या करेंगे, हर दिन इस फार्म को ना एक एक से बढ़ाएंगे, एक एक से, इन द सेंस की अभी देखो ये एक वाटर डाला तो इसको मैं एक कंसीडर करूंगा एंड इसको भी एक, तो ये इसका चौड़ाई हो जाता है 9x9 का एक टाइल आ जाता है इसमें, तो इसको मैं भाई जितना हो सके स्ट्रेट बनाऊंगा भाई, फुल स्ट्रेट बनाऊंगा, देखते जाओ आप, ठीक है। पूरा दुनिया का सबसे लंबा वीट फार्म बनेगा अपने आप, जितने दिन खेलूंगा मैं उतने दिन ये आगे बढ़ते जाएगा। अगर मैंने वीडियो डाला भी नहीं स्टिल मैं फार्म को उस दिन बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा हमेशा, बहुत मजा आने वाला है ये सीरीज में, मजा ही अलग है। सो अभी सारे के सारे सीड्स लगवा लेता हूँ एंड सीड्स अपने पास बढ़ते जाएगी जैसे जैसे हम लोग इसको हार्वेस्ट करेंगे। ऑटोमेटिक फार्म भी मैं बनवा सकता हूँ, बस वो कैसा हो जाएगा, एक बार बनवा लिया, मतलब कभी कभी क्या होता है माइनक्राफ्ट में, मैंने देखा है कि ऑटोमेटिक फार्म जब आता है इंसान के पास तो वो मजा नहीं आता खेलने में, सिर्फ मैं ज्यादा से ज्यादा आयरन का फार्म बनाऊंगा ऑटोमेटिक, बट बाकी सारे ऑटोमेटिक फार्म इस हार्ड कोर सीरीज में तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि भाई मैंने देखा है कि वो एक मजा सा चला जाता है इस सीरीज में से, तो हम लोग वैसे वाले फार्म इतने खतरनाक वाले नहीं बनाएंगे। जैसे तो कॉबलस्टोन वाला एक बनवा दूंगा एक एंड मे बी एक आयरन का बनवा दूंगा बस, बाकी चीजें यार मुझे लिजिटली लेनी है। जितने सीड्स थे सारे लगवा लिए, अभी क्या करते हैं साइड से ना इसके एक मस्त सा ये मारते हैं। अरे यार अपने पास लकड़े की बहुत कमी है, लकड़े का फार्म बनवा दूंगा ऐसे तो सारे फार्म बनवाने पड़ेंगे मुझे, लकड़ी थोड़ी सी ये जगह पे कम है लेकिन अच्छा ही है, प्लेन्स बार में बढ़िया चीज हो जाएगी यहाँ पे, तो लकड़ी थोड़े टाइम में मैं लेके आता हूँ। तब तक क्या करता हूँ, एक साइड बाय साइड इसके एक ये बनवा दूं क्या मैं, जो इसका फार्म है क्या बोलते हैं, एक मिनट ये जो रहता है ये इस पे लगता है क्या, एक मिनट मुझे ट्राई करना है कहीं पे लगा के, अगर यहाँ पे मैं पानी डालता हूँ तो क्या इस पे लगता है, जो लगता है लगता है, बढ़िया चीज बढ़िया चीज। तो हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, अभी सही से इसको खोद के यहाँ पे जितने अपने 20 शुगर कैन है ना, तो 20 लेंथ वाला एक बनवा लेते हैं, मस्त मजा आएगा। 20 लेंथ वाला यहाँ पे एक शुगर कैन का छोटा सा फार्म बन जाएगा, ठीक है। इसको भी आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो बेटर रहेगा ना, मजा आएगा, सेम साइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सही से बनना चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी ऐसे ही अंडू बना दिया, समझ लो बात, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिस्टिंग्विशिंग इसके बीच में ये आएगा यहाँ पे एंड दो इसका ये छोड़ के यहाँ पे भी एक आएगा, देन यहाँ से एक लाइन जाएगी सामने, यहाँ पे एक आएगा, देन यहाँ पे एक लाइन जाएगी सामने, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ठीक है। सेम ही लेंथ का बनवा देता हूँ तो बढ़िया लगेगा। इसको मे भी हम लोग नहीं उतना बढ़ाएंगे क्योंकि शुगर कैन की इतनी जरूरत नहीं लगती, बट वीट फार्म, हाँ वीट फार्म यार दोनों भी बढ़ा दूं यार मजा आ जाएगा, दोनों भी बढ़ा सकता हूँ। मैं पता देख कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे अटेम्प्ट करनी है। अब चल के थोड़ा सा लकड़ी उठाते हम लोग, ये देखो ये कौन आ गया, कौन आया अपने घर, कौन आया, कैसा है बेटे, बेटे उठा लेते अपना हाथ में, अबे मारो एक दूसरे को, मार क्या मजा आ गया यार इसको ये करने में, चला क्या मारो इसको। अबे यार मुझे ना एक को ऐसे ही रखना था, एक मुझे ऐसा बंदा चाहिए था, बट अपने पास वो नेम टैग नहीं है ना, बट इसका बैनर मिला का मुझे, बैनर चाहिए, हाँ मिल गया बैनर, बैड ओमन है मेरे पास, बट मैं अभी विलेज में नहीं जाने वाला, बट ये वाला विलेज अच्छा है एक्चुअली ऊपर से लड़ाई करने में। अरे लेकिन एक अच्छी बात हो जाएगी अगर मैं उनसे मुकाबला करता हूँ कि अपने पास वो सैडल मिल जाएगा जिससे हम लोग घोड़ा यूज कर पाएंगे फाइनली। ए ये क्या मिल गया मुझे, बहुत सारे मुझे लगता है ओक लगेंगे मुझे आगे चल के भी, तो अभी के लिए भाई बहुत सारे उठा लेता हूँ मैं ओक,
ओके लॉक्स ओके चलो एक स्टैक लगभग हो गया है, इतना बहुत होना चाहिए मेरे लिए। ये देखो कौन आ गया। हेलो भाई कैसा है, कैसा है बेटे, कैसा है, कहाँ गया, कहाँ गया भैया। अपने को इसको ऐसे ही मारना पड़ेगा। गया कहाँ बंदा? ऐसा कभी हुआ है क्या किसी के साथ कि एंडरमैन गायब हो गया? एंडरमैन गायब हो गया भाई अपना, ये क्या लॉजिक था? आया चिल्लाया और निकल लिया। हाँ तो तुमको क्यों तकलीफ है, हमारा मर्जी है। चलो तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा फेंसिंग करते हैं। आगे से मैं फेंसिंग नहीं करता, सिर्फ साइड से करता हूँ एंड पीछे साइड से एक करता हूँ, मे बी उतना भी इनफ हो जाएगा। फेंस लगा लो, फेंस लगा लो। वैसे फेंस लगा के कुछ मतलब नहीं होता, बस वो अपने डेकोरेशन के लिए होता है कि भाई दिखने में बढ़िया दिखेगा और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। बट है भाई सही है दिखने में सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक ही फेंसिंग करते हैं क्योंकि आगे अपने को इसको एक्सपेंड करना ही है, हमेशा एक्सपेंड करते जाएंगे। अभी इस पानी के ऊपर भी ना स्लैब्स लगा दूंगा ना तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर मैं हमेशा यहाँ पे आऊंगा तो शायद गिर भी जाऊंगा। तो हम लोग स्लैब्स भी लगाते हैं। दिमाग है भाई अपने में, है दिमाग है। मैं भूला नहीं हूँ माइनक्राफ्ट को, काफी मतलब कुछ चीजें मतलब ऐसे भूल जाता है इंसान काफी दिनों के बाद खेलने से, बट इतनी चीजें मैं भूला तो नहीं। आई थिंक अभी और 10 लगेंगे अपने को एंड थोड़े से लगेंगे अपने को फेंस गेट, एक दो तीन चार लगेंगे मे बी। एक तो यहाँ पे आएगा फेंस गेट सेंटर में, देन यहाँ पे दो आएंगे, ठीक है। इसको ओपन रखते हैं, कभी भी आने जाने के लिए इजी रहेगा। प्लस हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे वो स्लैब्स लगाते हैं ना ऊपर से, ये भी 40 के ऊपर लग जाएगी स्लैब्स, या 40 स्लैब्स लगेगी। तो स्लैब्स ऐसे लगेगी ऊपर के साइड, अपर स्लैब्स लगेगी। पानी तो इसके नीचे हमेशा रहेगा, देखो हमेशा रहेगा पानी, बट मैं इसके ऊपर से अभी चल पाऊंगा, लिटरली चल पाऊंगा। ये इसका एक एडवांटेज है बड़ा सा। अब मजा आएगा ना वीडियो, अब मजा आएगा, अब सच्ची मजा आएगा इसमें, इसको बोलते हैं असली मजा। भाई मेरे पास है ना खाने की बहुत कमी, वरना मैं लिटरली अभी चल के ना ये करता, शुरू हो जाता उधर विलेज में मारा मारी करने को। बट अपने पास खाना बिल्कुल भी नहीं है, लाइक नहीं के बराबर खाना है। ऐसे अगर मैं जाऊंगा मारने को, अपनी वाट लगने वाली है, मतलब खुद ही वाट लगा लो अपनी, ऐसा सीन हो जाएगा वो। प्लस मेरे पास बो नहीं है, बो के लिए अपने को थोड़े स्ट्रिंग्स वगैरह मांगते हैं। स्ट्रिंग्स मिल सकते हैं अगर मैं थोड़ी रात में जाके स्पाइडर्स मारूंगा थोड़े से, तो मिल जाएगा, वही इजी रहेगा। ओके चलो फाइनली रात होने को आ गई है और मैं तब तक थोड़े से और भी वीट सीड्स ढूंढ जाता, एंड अभी बस मुझे स्पाइडर्स देखने। स्पाइडर्स अपने लाल कलर के होंगे, आई थिंक मुझे शेडर्स बंद कर देनी चाहिए, शेडर्स मैंने ऑफ कर दिए है। अभी हम लोग देखते हैं कहां पे स्पाइडर्स है। स्पाइडर्स स्पॉन किन हो रहे कहीं पे? हेलो स्पाइडी, सच्चे बस दो चार स्पाइडर्स दे दो। आई थिंक 3 स्ट्रिंग्स लगती है एक बो बनने में, उसके बाद मैं देख लूंगा कि कैसे हम लोग। अरे यार ये लोग नहीं चाहिए थे मुझे, इससे भी बो मिल सकता है मुझे, मिल सकता है, चांसेस तो है इससे मिलने। एक दूसरे को उड़ाओ, मार भाई मार। ओके इससे एरोस तो मिल जाएंगे, वो मिलने के चांसेस कम है इस बंदे से। स्पाइडर नहीं दिख रहा यार मुझे, काफी सारे स्केलेटन्स तो दिख रहे हैं यहाँ से। स्पाइडर की क्या कमी हो गई आज? ए स्केलेटन बैठा हुआ स्पाइडर पे भाई, भी रेयर चीज काफी रेयर चीज। ये देखो इसको देखो, वो भी भाई खतरनाक वाले इस पे। ओ एक मिनट, ये मर गया, इसके पास मस्त वाला बो है, वो मिल जाए यार मजा आ जाता। डर रहता है भाई, डर रहता है इधर। स्पाइडर आ जाए यार, स्पाइडर आ जाए। सबसे पहले मैं जो मजा था ना माइनक्राफ्ट में, वो स्पाइडर से मजा था, तो मुझे स्पाइडर्स पे एक अलग सा है गुस्सा है, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा आपको। कितने हो गए स्ट्रिंग्स? 2 ही हो गए, एक स्ट्रिंग की कमी है बस, एक स्ट्रिंग मिल जाएगा हो गया काम अपना। एक्चुअली मैं इनको भी मारते रह सकता हूँ, ये जो ये है ना स्केल्टन, ताकि अपने को अच्छा खासा वो मिल जाए यार, एरोज वगैरह थोड़े बहुत मिल जाए। ओके अरे तुम लोग एक दूसरे को मारो ना, मजा आ जाएगा। ये भाई मैं ऐसे ही मर जाऊंगा वरना। ए भाई आराम से आजा, अब आजा। क्यों स्ट्रिंग कहाँ है? स्ट्रिंग मांगता है भाई, एक बस एक स्ट्रिंग मांगता है यार, बाकी किसी से मैं पंगे नहीं ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ स्पाइडर दे दो यार। तुम लोग किसी से पंगे नहीं, एंडरमैन से भी नहीं लूंगा, किसी से नहीं लूंगा, बस स्पाइडर ढूंढ के दो ना यार। पहले बहुत दिखते थे स्पाइडर्स, आजकल स्पाइडर्स को क्या हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आज स्पेसिफिकली जब मुझे चाहिए तब। स्पॉन हो जाओ स्पाइडर, क्या गफला है ये? आई थिंक वहां पे मुझे कुछ दिखा। अबे यार वो तो हॉल्स है, ये यहाँ पे विच आ गई है कैसे? स्पाइडर मिला, स्पाइडर आ जाए। स्पाइडर को यहाँ पे लेके आते हम लोग चुपचाप से। स्पाइडर तेज रहता ना तो उसको थोड़ा इधर लेके आते, आ जाते स्पाइडर सबसे तेज था।
नहीं रेसिपी मंगी ले। आ हो गया काम हो गया अपना, सो जाता हूँ फटक से। कोई मत आना, अब सब मर जाएगी, मजा आएगा। सुबह का मौसम एंड सब लोग मर रहे। अगर ये ऐसे मरते हैं आग से, ये स्केलेटन्स, तो क्या मुझे इनका वो वगैरह कुछ मिलता है? बोन्स मिलते हैं मुझे, बट बोन नहीं मिल रहे मुझे। चलो ये एक्चुअली अच्छी बात है अपने लिए। सो मेरे पास एरोज हो गए, कितने हो गए? 9 एरोज बस, इतनी मेहनत करके भाई कुछ फायदा नहीं इतनी मेहनत का, ऐसा लग रहा है मुझे। ये उड़ रहा है कब से यह आवाज, इसको देखा मैंने काफी दूर से। कहाँ गया ये? यहाँ पे था भाई वो बंदा। हाँ वो देखो, अरे उसके आंखों में नहीं देख सकता इतनी दूर से, आंखों में दूर से देखूंगा मैं उसके। एंटर भाई, इधर था वह जंगली, इधर था वह सच्ची जंगली बंदा है। कहाँ जाता है? मुझे तेरे आंखों में देखना है। क्या भाग रहा है तेजी से पता है क्या? अबे देखने नहीं दे रहा आंखों में। कैसे बंदे यार इधर, कैसे बंदे? कहाँ गायब हो गया? एक एंडरमैन नहीं मिल रहा मुझे अब। गायब कहाँ हो गया ये? कुछ दिखने रहा है मेरे को, गाइस सच्ची नहीं दिख रहा है। यहाँ से गायब हो गया बंदा सीधा। मैं काफी दूर आ गया हूँ एक एंडरमैन की खोज में। ये कुछ मुझे लगता है झोल करने वाला बंदा है। ये मुझे दूसरी जगह लेके जा रहा है, दूसरे डायमेंशन में लेके जा रहा हूँ। मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ भाई, पता नहीं है भाई, इस पे भरोसा नहीं रख सकते हम लोग। अजीब सा एंडरमैन लगा मुझे। चलते चलते विच सीट्स तोड़ो भाई, अपने पास और कुछ काम ही नहीं बचा आजकल भाई। मेरा अभी दिमाग घट रहा है कि मेरे पास एरोज नहीं है, उसकी वजह से मैं रेड नहीं खरवा पा रहा अपने विलेज में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? अभी यहाँ पे आसपास मुझे थोड़ा बहुत चिकन वगैरह दिख रहे हैं, तो चिकन, बढ़िया से चिकन आ जाओ, सब चिकन आ जाओ, जितने चिकन है मेरे को सब चाहिए आसपास के। आ जाओ चिकन भाई आ जाओ, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, सब आ जाओ। जितने जमेंगे उतने चिकन लेके जाएंगे हम। 5 एक और चाहिए यार, बढ़िया हो जाता, 6 होता ना इवन नंबर बेटर इसका। ओके वहाँ पे दिख गया मुझे। आ जाओ अब, आ जाओ आप, बढ़िया हो जाएगा सब चिकन। आ जाओ इसके अंदर, इधर इधर इधर। ओए ओए बे साले, कैसे सब लाइट को ये सब कर दे भाई। कोने में आ जा, कोने में आ जा, कोने में। अबे जंगली कई का, इधर आ, किधर जाना है इसको पता नहीं। एक मिनट, हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास मस्त आइडिया क्या। इधर सब बिजी कर दिया उनको मैंने। छोटू चिकन आ गए, आप ही भाई थोड़े टाइम बाद तुम लोग मरने वाले हो, ठीक है? सब मरने वाले। अपने पास कुछ अंडे है चिकन के, तो मैं क्या करता हूँ भाई, कोशिश करता हूँ इसमें से चिकन निकालने की। तो देयर गोज नथिंग। एक दो, अबे इनको नहीं मारना मुझे, अबे इसको लग गया। अबे ये बाहर कैसे भाई यार, जो निकला वो बाहर निकल गया। हाँ भाई आगे स्वाद। मुझे लगता है अभी वक्त आ गया है कि पहले से मैं ये इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दूँ। 1 2 3 4 सीरियसली पता नहीं कि ये ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे सही से मेरे सीड से ये वाले। मैं क्या करता हूँ सबको तोड़ देता हूँ भाई और इनको वापस से लगा लेता हूँ, तो ही बढ़िया रहेगा ऐसा मुझे लगता है। भाई मैंने जस्ट रियलाइज किया ये हार्डकोर मोड खेल रहे हम लोग, मतलब यहाँ पे वेव्स 5-5 आती है बड़ी सी, तो इतने से अपना प्रिपरेशन सही नहीं जाएगा भाई। फालतू में मरना नहीं मुझे हार्डकोर में, इसलिए इससे बेटर है कि हम लोग वापस एक बार अच्छी से प्रिपरेशन करें, थोड़े और बोल्स अच्छे वाले इकट्ठा करें एंड भाई इस फार्म को और भी लंबा करें। उसके लिए तो भाई आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आगे चल के इसके और भी एपिसोड्स आते जाएंगे। लाइक देना तो वैसे भी भूलो मत, सब्सक्राइब करना डेफिनेटली मत भूलना, बाकी सब आप भूल गए तो भी चल जाएगा। थैंक यू सो much for watching. Bye.